नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रही हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। गोविंद सागर में वाटर स्पोर्ट्स को हाईकोर्ट में चुनौती। प्रदेश उच्च न्यायालय ने गोविंद सागर झील में चल रही वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों पर कड़ा संज्ञान लिया है। कोर्ट ने पर्यटन विभाग के सचिव सहित पर्यटन निदेशक, पर्यटन खेल व्यापार एवं रोजगार सृजन सोसाइटी के अध्यक्ष सह उपायुक्त जिला बिलासपुर, मैसर्ज हिमालयन एडवेंचर और मैसर्ज गंधर्वी बिल्डर को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 28 अक्टूबर को निर्धारित की है। इस संबंध में प्रार्थी मैसर्ज एमजी स्काई एडवेंचर्स ने हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की। प्रार्थी ने आरोप लगाया कि डीसी बिलासपुर मनमाने तरीके से गोविंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां करवा रही हैं, जबकि इन गतिविधियों को चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रार्थी को ही टेंडर जारी किया गया है। शिमला नई दिल्ली रूट पर फिर शुरू हुई एचपीटीडीसी की वॉल्वो बस सेवा, ऑनलाइन बुकिंग भी उपलब्ध। शिमला नई दिल्ली रूट पर हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की वॉल्वो बस सेवा फिर से शुरू हो गई। बीते दिनों में हुए ट्रायल सफल रहने के बाद अब ये बस इस रूट पर नियमित रूप से चलेगी। इससे यात्रियों को सुविधा होगी। शनिवार को शिमला से ये बस शाम 8:30 बजे नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। इस बस के माध्यम से नई दिल्ली जाने के लिए शाम तक करीब 8 यात्रियों ने बुकिंग करवाई। इसके अलावा रविवार को नई दिल्ली से शिमला आने के लिए भी बुकिंग में तेजी आई। यात्रियों की सुविधा के लिए इस बस की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा दी गई। ऑनलाइन बुकिंग शुरू होने पर अब पर्यटकों ने बुकिंग करना शुरू कर दिया है। हर्षवर्धन और विक्रमादित्य ने नड्डा अनुराग से पूछा, हिमाचल के हक की राशि केंद्र से कब दिलाएंगे। प्रदेश कांग्रेस सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा पर जबानी हमला बोला। दोनों मंत्रियों ने पूछा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सांसद अनुराग ठाकुर केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश को उसका हक कब दिलाएंगे। दोनों ने आरोप लगाया कि भाजपा प्रदेश विरोधी है, इसलिए हिमाचल को केंद्र से मिलने वाली राशि को रुकवा रही है। जब से प्रदेश की सुक्खू सरकार ने 1.36 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया है, तब से भाजपा नेता कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के खिलाफ षड्यंत्र रचने में लगे हुए हैं। संजौली मस्जिद की 3 मंजिलें अवैध घोषित, कोर्ट ने 2 महीने में दिया ढहाने का आदेश। नगर निगम आयुक्त ने शिमला की संजौली मस्जिद के उस हिस्से को हटाने की अनुमति दे दी है, जिसे खुद ही मस्जिद कमेटी ने आगे आकर हटाने की पेशकश की थी। इसके लिए 2 महीने का समय दिया गया है। नगर निगम के आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने कहा कि मस्जिद के 3 फ्लोर को हटाने का काम वक्फ बोर्ड की देखरेख में होगा। रोहित ठाकुर बोले, विद्यार्थियों की कम संख्या वाले और स्कूल नए शैक्षणिक सत्र में ही होंगे मर्ज। हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थियों की कम संख्या वाले और स्कूल नए शैक्षणिक सत्र से ही मर्ज होंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि 10 बच्चों की संख्या वाले मिडिल स्कूल्स का दर्जा घटाकर प्राइमरी किया जाएगा। इसी तरह से 20 बच्चों से कम संख्या वाले उच्च स्कूल को मिडिल और 25 संख्या वाले वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल को उच्च स्कूल का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग ने ऐसे सभी स्कूल्स की सूची बनाने को कहा। चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान किसी भी स्कूल का दर्जा कम नहीं होगा या कोई भी स्कूल मर्ज नहीं होगा। हिमाचल में बी और सी खत्म, इस बार 1 ग्रेड के पौधे ही बेचेगा उद्यान विभाग। हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग इस बार सेब के बी और सी ग्रेड के पौधे नहीं बेचेगा। बागवानों को 1 ग्रेड का पौधा मिलेगा। सर्दियों में मिलने वाले सेब का पौधा बागवान को 180 रुपए का मिलेगा। 1 ग्रेड में 4 श्रेणियां रहेंगी। प्रति पौधे की कीमत 130 से 180 रुपए के बीच रहेगी। ये पहली बार है जब उद्यान विभाग ने ग्रेडिंग सिस्टम खत्म कर केवल 1 ग्रेड के ही पौधे बेचने का फैसला किया। विभाग का तर्क है कि बी और सी ग्रेड के पौधों की अधिक मांग नहीं है, इस वजह से फैसला लिया गया है। विभाग ने पौधों के दाम भी तय कर दिए हैं। बीते साल उद्यान विभाग ने नर्सरीज में करीब 4 लाख पौधे तैयार किए थे। एनपीएस सहित अन्य भत्तों व छुट्टियों में कटौती पर भड़के डॉक्टर, काले बिल्ले लगाकर विरोध शुरू। एनपीएस सहित अन्य भत्तों व छुट्टियों में कटौती को लेकर डॉक्टर भड़क गए। मेडिकल व दंत कॉलेज टीचर्स राज्य एसोसिएशन ने इसे लेकर अब काले बिल्ले लगाकर विरोध प्रदर्शन करना आरंभ कर दिया। शनिवार को आईजीएमसी सहित अन्य अस्पतालों में डॉक्टर्स ने काले बिल्ले लगाकर विरोध करना आरंभ किया है। सैमी डिकोट का कहना है कि जल्द ही मुख्यमंत्री से समय लेकर उन्हें मांगों से अवगत करवाया जाएगा।
और यदि इन पर निर्णय होता है तो ठीक, अन्यथा डॉक्टर आगामी ठोस रणनीति अपनाने को बाध्य होंगी। राष्ट्रीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता धर्मशाला में देश के 900, हिमाचल के 18 खिलाड़ी दिखाएंगे दम। हिमाचल में पहली बार हो रही महिला और पुरुष वर्ग की राष्ट्रीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में प्रदेश के 18 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। प्रतियोगिता नगरोटा बगवा में 6 से 13 अक्टूबर तक होगी। देशभर से 900 से अधिक खिलाड़ी इसमें अपना दमखम दिखाएंगे। प्रतियोगिता में राष्ट्रमंडल और देश के लिए बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी भी भाग लेंगे। फर्जी डिप्लोमा से ली ड्राइंग टीचर की नौकरी, शिक्षक के खिलाफ FIR दर्ज। सिरमौर जिले में फर्जी डिप्लोमा के आधार पर ड्राइंग मास्टर की नौकरी हासिल करने वाले एक शिक्षक पर FIR दर्ज हुई। ये नियुक्ति शिक्षा विभाग में ड्राइंग मास्टर की बैच वाइज के आधार पर हुई नियुक्ति के तहत की गई थी। आरोपी शिक्षक की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति भी जांच के दायरे में आ सकती है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में पुलिस थाना नाहन में फर्जी डिप्लोमा के आधार पर कला अध्यापक की नौकरी प्राप्त करने के मामले में FIR दर्ज की गई। गौरक्षा के लिए शिमला में गौध्वज स्थापना यात्रा, 24 अक्टूबर को होगी महत्वपूर्ण सभा। गाय की रक्षा के लिए पूरे देश में एक समान कानून बनाने के लिए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के निर्देशन में गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के तहत गौध्वज स्थापना भारत यात्रा शुरू की गई। 22 सितंबर से ये यात्रा शुरू हो चुकी है और 26 अक्टूबर को समाप्त होगी। HPO ने घोषित किया LLM की प्रवेश परीक्षा का परिणाम। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने LLM की प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। ये प्रवेश परीक्षा बीते 3 अक्टूबर को आयोजित हुई थी। विस्तृत परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है। प्रदेश विश्वविद्यालय के UIT में MTech की कक्षाएं 9 अक्टूबर से शुरू होंगी। निगम की बस में सवार युवक से बरामद की चरस। जिले के प्रवेश द्वार तुनुहट्टी में पुलिस ने निगम की बस में सवार एक युवक से 276 ग्राम चरस बरामद की। आरोपी को हिरासत में लेकर थाना चुवाड़ी में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। रात को पुलिस चेक पोस्ट तुनुहट्टी में पुलिस दल मुख्य आरक्षी अरविंद थापा की अगुवाई में वाहनों की जाँच कर रही थी। देर रात करीब 11 बजे चंबा से देहरादून जा रही निगम की बस को जांच के लिए रोका गया। पुलिस दल ने जब बस में सवार यात्रियों के सामान की जांच शुरू की, इस दौरान बस में सवार एक युवक कुछ संदिग्ध हरकतों को अंजाम देने लगा। बगीचा बैंक में गिरवी रख 7 लाख रुपए लिए और अब आरोपी फरार। अखाड़ा बाजार निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। शिकायतकर्ता ने आरोप जड़ा कि आरोपी ने उसे करीब 2 करोड़ रुपए से अधिक की क्षति पहुंचाई है। ट्रक से टक्कर, बाल बाल बचे शिलाई के पूर्व विधायक। शिलाई विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक बलदेव तोमर पापटा साहिब में सड़क हादसे में बाल बाल बचे। जानकारी के अनुसार देर शाम को शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर स्कॉर्पियो गाड़ी HP 85AA0004 में सवार होकर तारूवाला से घर हिमुडा कॉलोनी के लिए जा रहे थे कि शुभखेड़ा के पास पीछे से एक ट्रक तेज रफ्तार से आया और गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी, जिस कारण गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। गाड़ी में सवार शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर और चालक बाल बाल बच गए और दोनों सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि ट्रक की ब्रेक फेल हो गई थी और उसकी रफ्तार अचानक बढ़ गई। शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर ने कहा कि मैं और चालक दोनों सुरक्षित हैं। ट्रक चालक ने गलती मान ली, इसलिए पुलिस में केस दर्ज नहीं किया गया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।